यूपी में लगातार पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। अब बदमाश इतने खौफ में हैं कि वो खुद से आकर सरेंडर कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें हैं एनकाउंटर की, जिसमें दो नामी बदमाश पकड़े गए हैं। पहली तस्वीर है सहारनपुर की, तो दूसरी एनकाउंटर की तस्वीर अमरोहा की है, जहां एक तरफ एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अमरोहा में रात भर यहां पर मुठभेड़ चलती रही। ये एनकाउंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन क्लीन चल रहा है यूपी में, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा था, उसी के चलते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ किया गया था कि बदमाशों को किसी भी तरह से बख्शा ना जाए, और इसी के बाद से ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। अब तक की बात करें तो 1152 मुठभेड़ हो चुकी है यूपी में। यूपी के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें गोली लगने से घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि देर रात चेकिंग के दौरान दो मोटरसाइकिल सवारों की चेकिंग के लिए पुलिस ने रोका, तो पुलिस पर दोनों लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें एक बदमाश को गोली लगने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। फरार बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है, तलाशी लगातार चलती रही। गिरफ्तार बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस उसको कई दिनों से तलाश कर रही थी, और आखिरकार अब अमरोहा से उसकी गिरफ्तारी हुई। एक बदमाश के दो गोली पैर में लगी है, एक हमारे कांस्टेबल के भी एक गोली लगी शिवराम नाम के, और दूसरा बदमाश गन्ने खेत में मोटरसाइकिल गन्ने खेत में गिरी थी, उसमें से निकलकर भागने में भागा है, उसकी कॉम्बिंग की जा रही है, और चारों तरफ से घेराबंदी की गई है, अभी उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।